सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, आज ये राष्ट्रीय एकता दिवस जहाँकि गणदौड़ में आज आम समस्ते हिंदोल एनएससी हाट पड़िया ठारू आरंभ करी यात्रा को शेष करूँ उपजिला कार्यालय किंतु एभली एक जो गणदौड़ी अच्छी आम सहित जड़ित अच्छा बीजेपी नेत्री अंजलि बेहरा आम तुम्हें सीधा साल प्रतिक्रिया ने गणदौड़ उपरे से आमको कौन कहे सीधा आम जा नेत्री पाखकू सी आम कौन कहते ये गणदौड़ उपरे आम तुम बुझे ना मैडम आज जो भाई भाव गणदौड़ अच्छी गुंडीचा मंडप ठार उपजिला कार्यालय पर्यटन ताप कौन कह भारत बर्षर विशिष्ट व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म जयंती ये जन्म जयंती उत्सव आम समाजसेवी विकास फाउंडेशन अध्यक्ष मूर्तला ठाकुर जी शुभ दृष्टि आम हिंदोल नगर में गणदौड़। जो राजा जो शासन था परिवर्तन करके से जो गणतंत्र जारी रखी थे आज ताको आधार कर प्रिय प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेन्द्र मोदी जहाँकि सारा विश्व को एकता सूत्र बांधि रखा आज प्रयास कर समस्त हाथ बढ़ाई सारा भारतवासी मोर आंतरिक धन्यवाद दूची। आज भारत बर्षर सब जगह विभिन्न प्रकार कार्यक्रम जारी रही भारत को कमी आम गोटे एकता सूत्र बांधि रखापी आज आम हिंदोल नगर धन्यवाद आम सहित पुलिस जोड़ी अच्छा जेकि हिंदोल एनएससी बीजेपी मंडल सभापति संतोष कुमार बेहरा आम तुम सीधा साल प्रतिक्रिया ना आज जो भाई भाव एकता दिवस जो गणदौड़ी हिंदोल एनएससी से आमको कौन प्रतिक्रिया दौर बुझे आज जो भाई भाव हिंदोल एनएससी जो राष्ट्रीय दिवस एकता जो गणदौड़ी आप कौन कहते बहुत खुशी लगे आम प्रिय स्वर्गत उप्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म जयंती अवसर में राष्ट्रीय एकता दिवस भारत कोण अनुकोण में पालन कराऊ हिंदोल एनएससी आमर माननीय मृदुला ठाकुर जी जे कि भारत केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान धर्मपत्नी तथा तो विकास फाउंडेशन अध्यक्षा अच्छा प्रचेषार आज आम हिंदोल एनएससी रे गणदौड़ पालन करागला जहाँकि बहुत खुशी लगला आउ द्वारा आम हिंदोल एनएससी वासी जापारे
ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ କ'ଣ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ, ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ଭାରତୀୟ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ଏଇ ଏକତା ଆଗକୁ ବଜାୟ ରହିବା ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଗଣଦୌଡ଼ ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସ୍ରେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗଣଦୌଡ଼ଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସକାଳ 7:30 ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ହିନ୍ଦୋଳରୁ ଦେବବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।